वाओ शरबत। ओ एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है और आज हम इफ्तार करने वाले हैं। पेशावर में किस तरीके से इफ्तारी होती है यहाँ पर, जो कि पठानों का इलाका है, तो आज पठानों के इलाके में इफ्तारी करने का बड़ा मन है, तो चलते हैं इफ्तार करने। इफ्तार इन किस्सा खानी पेशावर, रमजान इन पाकिस्तान। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान की इफ्तारी और सहरियों की सीरीज़ चल रही है और मैंने देखा है कि हर जगह जो है समोसे पकोड़े और सुर शरबत ही हर जगह रमज़ान में नज़र आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना पेशावर में जाके इफ्तारी की जाए, क्योंकि हमारे कंट्री का सबसे यूनिक कल्चर जो है वो पेशावर पठान कल्चर है। अपने दोस्त खुरम और उनके साथियों के हमराह जो है आज करते हैं इफ्तारी पेशावर में। सो लेट्स गो पठान कल्चर। आ गए जी पेशावर। ये कब बनाएगा? गन्ने का जूस चलाएगा? अच्छा। ये क्या है भाई? बिरयानी बच्चे क्या बेच रहे हैं? बड़ा भीड़ भाड़ है, रमजान की कौन है? आलू बुखारे का चटनी। आलू बुखारे का चटनी लादार मारा दारू जो है दादा पुजनी शरबत नखरे अगर पद्मा सवा कर से आप पाव सुन लो क्या कह रहे हैं? ये क्या चीज है? पानी वाला आप क्यों चाहता का 50 शापर वाला कब आ रहा क्या है? अलग सा कुछ लेकिन मीठा है। ये रबड़ी है शायद, रबड़ी। हाँ वाह सारी। अरे ये तो वो है घेवर, घेवर बोल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पैक किया हुआ है रबड़ी। ये से इफ्तार की तैयारी हो रही है? बिल्कुल जी, इफ्तार की तैयारी हो रही है। ये होती है भाई रौनक, ऐसे खाने बनते हैं। फ्रूट चाट? हाँ यस, अच्छा अच्छा। फ्रूट चाट भी रेडी है? कैसे दे रहे बॉक्स? बॉक्स 100 रुपए, 100 रुपए का बॉक्स। स्ट्रॉबेरी एंड बदला डाल शरबत। दिल करता है यार सारी चीज़ें देखने। ये बिरयानी कुछ अलग लगी है हमारे यहाँ।
मतलब गोश्त बिल्कुल अलग। सलाम। आपने क्या शॉपिंग किया आज? आज हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, गिर मिर भी लिया है और चीज़ें भी ली हैं, शरबत मरबत के लिए सामान लिया हुआ है। अच्छा। और इधर हमारा शूज़ का दुकान है और सुबह हम 8-9 बजे आते हैं और फिर रात 1-2 बजे तक हम बैठे होते हैं, बाज़ार खुला होता है, 1-2 बजे तक लोग आते रहते हैं, लोगों का आमद रहता है इंशाल्लाह। और इस बाज़ार में सबसे मशहूर खाने का क्या चीज़ है? इधर पेशावर का फालूदा मिलता है और गिर मिलता है और चीज़ें मिलती हैं, चावल मावल मिलता है इस बाज़ार में और चीज़ें भी हैं। शुक्रिया। ये पेशावरी खीर? जी हाँ, ये खीर। और ये पेशावरी खीर में क्या अलग है? किस चीज़ का मुरब्बा है? ये खुरमानी का। खुरमानी? खुबानी। खुबानी, खुबानी। अच्छा, किस तरह ये देते हैं आप? ये हम देते हैं 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। और ये किसकी है? ये आली बुखारा है, ये 600 रुपये किलो है। 600 रुपये किलो। बहुत खूबसूरत लग रही, शुक्रिया। पूरा छीला हुआ था। काट के भी देते हैं। पहले मारुत में जाओ, सरब जाओ, उधर है वो। किस चीज़ का शरबत है? गुड़ का, लींबू का और रूहअफ़ज़ा का। गुड़, लींबू और रूहअफ़ज़ा। अच्छा, गुड़, नींबू। ये बोतल कितने का देते हैं? 100 रुपये। और पैकेट? 50। ओके, ज़बरदस्त भाई, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कलरफुल, बहुत ही रंगीन इफ्तार है। ऐसी इफ्तार रियली के हमने ना लाहौर, ना कराची, ना इस्लामाबाद में देखी है। ये पाकिस्तान की सबसे मुनफरद इफ्तार। बनता तो और जगहों पर भी होगा, अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट कल्चरल फूड, मतलब कल्चर के हिसाब से स्पेशल। आपने देखा होगा कि कितनी बेहतरीन रंगारंग खूबसूरत फूड है यहाँ की, क्या मज़ेदार यहाँ के राइस, क्या यहाँ का पुलाव है और फ्रूट चाट और बहुत से यहाँ पर मशरूबात जो इससे पहले मैंने कभी भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची शहर में इफ्तारी इससे पहले ऐसी नहीं देखी। और अभी यहाँ पर जो है फ्री इफ्तार है, कोई भी आके यहाँ पर जो है इफ्तारी कर सकता है। और अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये कौन कौन से आइटम्स जो हैं इफ्तारी में दे रहे हैं। जलेबी, ये डिशेज हैं खाने के। अभी बिरयानी तैयार हो गई, मतलब देने के लिए, इफ्तार के लिए।
कितना बढ़िया माहौल बन रहा है। ओ भाई बैठ भी गई पब्लिक। मेन रोड पर ही बैठ यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही पठानों वाला, एकदम पठानों वाला फील, पठानों वाले खाने, पठानों वाला मतलब पठान कल्चर। आई मुझे पर्सनली पठान कल्चर बहुत बढ़िया लगता है बहुत। इस वीडियो की बात करें तो किस्सा खानी पेशावर में एक एरिया है जहाँ पर रोड पर इतनी ज़्यादा पब्लिक इफ्तार करती है, वो भी फ्री बता रहे थे इसके अंदर। और अलग अलग हमने खाने देखे, वैसे लग रहा था बस देखते रहो यार। वो बिरयानी पुलाव टाइप का कुछ बना हुआ था, मतलब गोश्त अलग था, चावल अलग थे, तो वो उसको पुलाव बोलते हैं शायद पाकिस्तान में। मुझे बताया था किसी ने तो बढ़िया बढ़िया खाने, बढ़िया बढ़िया शरबत, इतने ज़बरदस्त अलग ही टाइप का, मतलब हर जगह की। जैसे ये कह रहे थे कि लाहौर में ऐसा नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ नहीं देखा होगा क्योंकि हर जगह की एक स्पेशल चीज़ होती है, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेशल खाने होते हैं जो कि पेशावर में ही होंगे, पेशावर के ही होंगे, पठानों के ही होंगे, वो लाहौर वगैरह में नहीं मिलेंगे, पंजाबियों में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से इंडिया में बैठकर मैंने पेशावर के खाने, पेशावर का इफ्तार कैसा होता है पेशावर में, वो चीज़ें देखीं और मेरे मुँह में सच में पानी आ रहा था। क्या आपने इन्जॉय किया होगा, सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।